नमस्कार दोस्तों, आज हम कद्दू का हलवा बनाएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कद्दू हमने लिया है आधा किलो, जिसको छील करके और काट कर धो लिया है। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे किस भी सकते हैं। ये शक्कर, नारियल, 3-4 इलायची, थोड़े से बादाम और किशमिश, थोड़ी सी इसमें मिर्ची ली, आधी मिर्ची, और थोड़े से जीरा छौंकने के लिए, और ये देसी घी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को जला देंगे। कढ़ाई थोड़ी देर होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम डालेंगे अपना घी। घी हम 1 चम्मच, फुल चम्मच लिया है। घी थोड़ा इसमें ज्यादा ही लगता है तो ही अच्छा लगता है इसका टेस्ट। ये हमारा घी गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे मिर्ची और जीरा। हम इसे इस तरीके से बराबर चला देंगे और गैस को मंद कर देंगे और इसको ढक करके रख देंगे। चलिए हम खोल करके चेक कर लेते हैं। वैसे हमने 2-3 बार इसको चेक कर लिया और बराबर चला दिया है। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। इसे बराबर से चला देंगे और इसे फिर से ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ढक देंगे। चलिए हम खोल करके चेक कर लेते हैं। वैसे हमने एक बार तो इसको और चला लिया था। ये देखिए, शक्कर डालने के बाद कितना पानी छोड़ती है। इसको हम इस तरीके से दबा दबा करके इसको बिल्कुल महीन कर लेंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज कर दिया है ताकि शक्कर का पानी जो निकला है वो अच्छे से सोख जाए। ये देखिए, ये पानी हमारा पूरा सोख गया है। इसमें हम इसको 3 मिनट इसको ऐसे खोल करके ही पकाएंगे। इसमें नारियल डालेंगे, हमने किस करके रखा है, घर में ही किसा है। ऐसे भी बराबर चला देंगे, इसमें मिला देंगे इस तरीके से। और हम इसमें डालेंगे अपने बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। यदि आपको और कोई ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे बिल्कुल एंड में, जो कि हमने इलायची रखी थी उसको छील करके अब पीस लिया है। ये देखिए, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये देखिए, ये हमारे कद्दू का हलवा बन करके तैयार है। चलिए हम इसे सर्व करेंगे। ये हमारा लाजवाब कद्दू का हलवा बन करके तैयार है।